साथियों, बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कंफ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फ्रेंडली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजाना बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं।